मिर्जापुर जनपद के 96 विधानसभा उपचुनाव में अपना दल एस भाजपा व निषाद पार्टी ने संयुक्त रूप से पूर्व विधायक स्वर्गीय राहुल कौल की पत्नी रिंकी कौल को नामांकन कराया। इस दौरान जहां अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और प्रभारी मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी मौजूद रहे। नामांकन के बाद प्रत्याशी रिंकी कौल ने कहा कि वह अपने पति के अधूरे सपने को पूरा करने के साथ ही क्षेत्र की जो समस्याएं रह गई हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगी। नामांकन कराने पहुंचे प्रभारी मंत्री गोपाल गुप्ता ने कहा कि भाजपा अपना दल व निषाद पार्टी द्वारा संयुक्त रूप से प्रत्याशी यहां पर उतारा गया है और प्रचंड बहुमत के साथ प्रत्याशी विजयी होंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास वो धरातल पर भी दिखाई दे रहा है। हो गया और विद्यालय हो गया ये उनकी मतलब इच्छाएं थी और बच्चों के लिए खेल का स्टेडियम और गांव में जो एकदम बहुत ज़्यादा गरीब उनको सड़कों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो आज भी परेशान है और जल की तो है ही है व्यवस्था। अब इन्हीं चीज़ों को मतलब हमें पूरा करना है। भारतीय जनता पार्टी अपना दल एस और निषाद राज पार्टी सब मिल करके हम लोग अपने प्रत्याशी रिंकी कौल जी को आज नामांकन कराए हैं और प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास सिर्फ नहीं ये नारा ये है उद्देश्य हमारा ये धरातल पर दिखाई दे रहा है। हम सब लोग इसके लिए काम कर रहे हैं।